कासगंज जनपद में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल सहित एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम शहर के बाहर पत्थर मैदान में हुआ, जिसमें मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को भी जागरूक किया गया और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद का मान बढ़ाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली स्कूली छात्राओं को मंडलायुक्त और सांसद में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 20,000 और 5,000 रुपये के चेक भी दिए गए। वहीं मिशन शक्ति के अंतर्गत बेहतर रोजगार करने वाली महिला को ऑयल मिल लगाने के लिए 10 लाख रुपये ऋण का चेक भी दिया, जिससे वह महिला अपना व्यापार बेहतर तरीके से कर सके। और आधा दर्जन से अधिक दिव्यांग जनों को इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त ने ट्राई साइकिल भी वितरित किए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त के साथ क्षेत्रीय सांसद और जनपद के सभी विधायक और जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी सहित आलाधिकारी भी उपस्थित रहे। बाकी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। इसके बाद सभी संबंधित अतिथिगण मंच पर आएंगे और बाकी जो प्रमाण पत्र और वितरण है वो मंच से किया जाएगा। यार तुम ही कर लो, हम ही कर लेते। पूरी वीडियो खराब समझ रहे आप। जो आज कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, क्या क्या कार्यक्रम में क्या दिया है? देखिए, आज यूपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मिशन शक्ति के अधीन भी जो कार्यक्रम था उसको भी आज यहाँ मनाया गया। और यहाँ माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर जो बच्चियों द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जो उनके द्वारा अच्छी शिक्षा के बाद जो अच्छे परिणाम दिए गए उनको सम्मानित किया गया और विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको आज उनका लाभ का वितरण हुआ। और जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो महिलाओं से बच्चियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पर आज चर्चा हुई और एक प्रण लिया गया कि किस तरह से हम लोग आने वाले समय में हम इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दृष्टिगत ये आज इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे हम लोग और बेहतर विकास करें इस जनपद में, इस मंडल में, पूरे प्रदेश में, ताकि राष्ट्र निर्माण में हम लोग और बेहतर योगदान दे सकें। सर, पहली बार जनपद कासगंज आए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए? मैं कासगंज पहले भी आ चुका हूं और ये मेरा मंडलायुक्त के तौर पर पहला विजिट है, ये बात सही है। और मैंने देखा कि ये बहुत काम हुआ है इस बीच में, बहुत परिवर्तन आया है। एक स्वरूप जो था पहले कासगंज का, उसमें बहुत चेंज है और मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतर कार्य हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छी उपलब्धि हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी मैंने स्कीम्स को रिव्यू नहीं किया है, पर जितना मुझे प्रारंभिक तौर पर बताया गया है उसके अनुसार बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा तालमेल है जनप्रतिनिधियों का, जिलाधिकारी का, जिला प्रशासन का और पुलिस का, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। कमिश्नर साहब, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पब्लिक को है वो कासगंज से महापुर वाली रोड पर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या समस्या है वो? उसमें कोई चौड़ीकरण जो हुआ है कम उसमें हुआ है, वाहन लगातार फंस रहे हैं और लोग निकल नहीं पा रहे हैं, आए दिन घटना हो रही है इस रोड पे। अच्छा, इसको हम लोग इसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे जिला प्रशासन से और इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।